Assalamu alaikum friend, IPL first match Chennai Super King between Mumbai Indian. Dosto Chennai Super King aur Mumbai Indian ke darmiyan ye pehla match khela gaya hai. Iski tamam tafseelat lekar main hazir hua hu is video mein aapko main bataunga. Ye match Chennai Super King aur Mumbai Indian ke darmiyan khela gaya. Chennai Super King ne toss jeet kar pehle bowling ka faisla kiya to Mumbai Indian ki puri team 162 run banakar बना सकी और उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए पूरे 20 ओवर में. अगर बात की जाए इनके प्लेयर्स की तो नुमाया प्लेयर्स में रहे डी कॉक और सुरबात तिवारी जिन्होंने 42 रन बनाए और पुलाड़ ने 18 और रोहित शर्मा जो के 12 रन बना सके. डी कॉक 33 रन और सुरबात तिवारी 42 रन बना सके. अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग ने तो इन्होंने ये हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 19.2 ओवर में पूरा किया. अब बात करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग के बॉलर्स ने कितने विकेट लिए और कितना स्कोर बनाया. तो जो 162 रन बनाए थे मुंबई इंडियन ने तो उनमें से 4 ने 4 ओवर देकर 32 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया. लुंगी निगीदी की बात की जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 38 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया. अगर सैम कॉरन की बात की जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया और चावला ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया. अगर रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 42 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया. चेन्नई सुपर किंग 162 रन का हाफदा 19.2 ओवर में पूरा किया और उनमें नुमाया बल्लेबाजों में अगर बात की जाए तो डिपोलिसिस ने 58 रन बनाए, रियोदो ने 71 और सैम कॉरन ने 18 रन बनाए. विजय एक और वाटसन 4 रन बना सके. सैम कॉरन 6 बॉलों पर 18 और डिपोलिसिस 44 बॉलों पर 58 और रियोदो ने 48 बॉलों पर 71 रन बनाए. अगर बॉलर्स की बात की जाए मुंबई इंडियंस की तो ट्रेंट बोल्ट ने 3.2 ओवर में 23 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया. जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 43 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया और राहुल चाहर का अगर बात की जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया. दोस्तों मजीद क्रिकेट की अपडेट और आप लाइव क्रिकेट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.